बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के महीने में बाल या नाखून काटना, नाखून चाहे हाथ के हों, पैर के हों, खुद के हों या किसी दूसरे के हों, इसी तरह बाल चाहे ज़ेरे नाफ के यानी शर्मगाह के बाल हों, बगल के बाल हों या चेहरे के यानी मूंछ हों, दाढ़ी हों, सर हों, ये सब बाल साफ करना काटना माहे मुहर्रम में कैसा है, जायज़ है या नहीं, या इसके इस तरह कोई हरकत करने से गुनाह मिलता है। बिल्कुल वाज़ह कुरान और हदीस, इजमा, कयास, इसमें वाज़ह तौर पे दलील मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फवर रद्द। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल का कौल है कि अगर आप दीन के बारे में कुछ कहते हैं और दीन यानी आपकी बात शरीयत में, कुरान में, सुन्नत में, इजमा में, कयास में कहीं मौजूद नहीं है, लिहाजा उस बात का कोई एतबार नहीं होगा। इसीलिए ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे बयान करना चाहता हूँ कि माहे मुहर्रम में चाहे आप बाल काटें या नाखून काटें, बिल्कुल जायज़ है, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी बात होती, मना होती शरीयत में ये बात कि भाई मत काटना, अगर इस तरह कोई हुक्म होता कि भाई मुहर्रम के महीने में तुम जो है नाखून मत काटना, अल्लाह के रसूल ज़रूर बताते, कुरान में ज़रूर आता, कुरान में नहीं आता तो रसूलुल्लाह मौजूद थे बताते, सहाबा बताते, कहीं मौजूद नहीं है। लिहाजा जो आज के टाइम में मना करते हैं, समझो कि वो अपनी बात बयान करते हैं। और ये याद रखिएगा, हमें जन्नत तक पहुँचने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें रसूलुल्लाह को फॉलो करना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल के हुक्म को देखना पड़ेगा। जब अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया, हम और आज जो बयान करते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं कि फलां कर दो, फलां कर दो, अपनी मनमानी, कौन एतबार करेगा? हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो अल्लाह के रसूल को देखना है। अल्लाह के रसूल ने मना किया नहीं किया, बस जब मना नहीं किया तो हम काट सकते हैं, साफ कर सकते हैं। जहाँ तक दाढ़ी की बात है, दाढ़ी के बाल अगर एक मुश्त एक मुट्ठी होने से पहले पहले काटते हैं तो कभी भी काटिए, वो तो नाजायज़ है। हर हाल में अगर एक मुश्त होने से ज़्यादा होने के बाद, एक मुट्ठी से ज़्यादा बाल हैं, आप उसको काटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुहर्रम के महीने में भी काट सकते हैं। बहरकैफ़ ये बातें बहुत अहम हैं, समझने की हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।